हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो जियो का सेटअप बॉक्स है, ये मैक्सिमम लोग अपने घरों में लगवा रहे हैं। बट सेटअप बॉक्स लगवाने के बाद जो कभी कभी एक प्रॉब्लम देखने को आती है, प्रॉब्लम क्या, इवन ये कहें कि जो हमें अपना टीवी स्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा वाइट सा नज़र आता है। ये देखिए, जो भी डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। बेसिकली सेटअप बॉक्स का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक थोड़ी सी छोटी सी सेटिंग होती है जो आपको चेंज करनी है। बताते हैं, चलते हैं कि ये सेटिंग कैसे चेंज करनी है। आपको ऊपर एक आइकन दिख रहा है सेटिंग्स से, इस सेटिंग्स पे आप जाइए, क्लिक कीजिए और इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन दिखता है HDMI ऑडियो सेटिंग्स एंड HDCP स्टेटस। इस पर आप क्लिक कीजिए और इसके बाद में जो HDR सेटिंग्स आपको दिख रही है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, जो ऑन है इस ऑन को हटा के यहाँ पे ऑटो कर देना है। देखिए, पता नहीं मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बट जो कलर प्रोटेक्शन है वो अब चेंज हो चुका ऑटो करते ही। ये देखिए, अब मैं बैक जाता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टीवी के कलर्स को सही कर सकते हैं सेटअप बॉक्स में से। क्योंकि सेटअप बॉक्स में जो इवन अगर बात करें खाली जियो के सेटअप बॉक्स की छोड़ के बाकी सेटअप बॉक्स में भी, तो कई दफ़ा जो HDR सेटिंग्स है वो ऑन आती हैं। तो HDR सेटिंग को ऑन पे ना छोड़ के आप ऑटो कर दीजिए। ऑटो में होगा कि ये कि जो सेटअप बॉक्स है खुद ही डिटेक्ट करके और स्क्रीन को उस हिसाब से चला लेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।